हम सबके आराध्य हैं, राम जी सबके हैं, राम जी किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के नहीं है सर, राम जी सबके हैं। हम सबके हृदय में राम जी बसते हैं और राम जी मैं बताऊं तो यहाँ से कहीं नहीं गए थे, राम जी सदा यही थे, यही हैं और यही रहेंगे। ठीक है, तो अयोध्या का विकास जो है बेसिक धर्म के स्तर पर नहीं होना चाहिए। अयोध्या का विकास यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, यहाँ की जो मूलभूत चीजें हों, जैसे पानी हो गया, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, जैसे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के यूथ को रोजगार हो गया, उसके बाद रोजगार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो जरूरी होना चाहिए। तो हमारा जो है, हम इस बार चुनाव इस मुद्दों पे लड़ेंगे अयोध्या में कि यहाँ के जो समाज है, जैसे यहाँ का जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनको कहीं ना कहीं जो है हम सबको मजबूत करें और अयोध्या को पूरे विश्व में जो है हम आगे ले जाएं। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपना मुकाबला, मेरे मुकाबले के मैं उसके टक्कर में मैं किसी को नहीं मान रहा हूँ, ना ही भाजपा है और ना ही यहाँ पे सपा और कांग्रेस है। एक सवाल और है, बसपा के ऊपर हमेशा आरोप लगता है, टिकट बेचा जाता है जी, तो आपने कितने में खरीदे, जनता पूछ जी। मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं कि जिस तरीके से इस समय आरोप लगते चले आ रहे हैं, मैं बिल्कुल, मैं आपको उसकी पुष्टि मैं आपको बताता हूँ क्या है। जिस तरीके से अन्य दलों में, क्योंकि मैं उस विचारधारा से और वहां से होके आया हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल साक्ष्य बताऊंगा, जिस तरीके से भाजपा और अन्य दलों में टिकट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसका 1% भी यहाँ बसपा में वो नहीं है। तो जो विचारधाराएं, जो चीजें लोग जो समाज में बोल रहे हैं कि इतने बेच के, इतने खरीद में लाए हो, तो वो सरासर गलत है। बहन जी जो है इस समय, आप समझिए कि उनका जो सोच है, जो उनकी सोच है समाज को लेके, वो कहीं ना कहीं हम सबको साथ देना चाहिए, हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि अगर आपको शासन, सुशासन अगर आपको चाहिए प्रदेश में या आपको अपने जिले में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी विचारधारा के व्यक्ति को आगे लाइए जो आपके लिए खड़ा रहे, जो आपके समाज के लिए खड़ा रहे, आपकी आवाज को दिल्ली तक ले जाए और आपके बीच में रहे। एक सवाल और आता है जनता के द्वारा, मतलब कि आरोप लगते हैं, मतलब कहते हैं कि लोग आप बाहरी हैं। जी जी जी, देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर एक अवधवासी अयोध्या में बाहरी है तो अब इसका उत्तर बहुत बहुत कठिन है देना। जैसा कि अंबेडकर नगर भी जो है वो अवध क्षेत्र का ही है, मैं आपको बोलूं ये पूरा विश्व, पूरा भारत खंड जो है ये अवध है। जैसा कि आप अदर पार्टियां बोलती हैं कि अब जो है राम राज आ गया है, इसका क्या मतलब है? राम राज का मतलब है कि जितने भी हमारे इस देश के नागरिक हैं सब हमारे अपने हैं, हम सबके हैं, वो सब हमारे। तो ये जो मैं इस बात का पूरा खंडन करता हूँ कि मैं बाहरी हूँ, अगर मैं अम्बेडकर नगर आपके बगल का होके, जो कि अम्बेडकर नगर भी जो है आपके अवध क्षेत्र में था, अयोध्या में ही था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसको एक जिला का स्वरूप दिया जिससे उसका विकास हो, अगर इसके बाद देकर मैं बाहरी हूँ तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ जी मैं बाहरी हूँ, मैं अवधवासी हूँ। एक लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में इस बार बसपा का क्या आकलन है, कितनी सीटों से, कितनी सीटें मतलब हासिल करेगी? देखिए इस बार जो है, जैसा कि जो हमारी वार्ता जो हुई है बहन जी के साथ, तो इस बार हम 80 की 80 सीट खुद के दम पे लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार हम सभी पार्टियों को 80 की 80 सीटों पर टक्कर देने वाले हैं और हमारी ये 100% कोशिश भी है कि हम मैक्सिमम सीट निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ 54 लोकसभा के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे जी, उन्होंने अपना बेबाकी सवाल जवाब।